नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया के जनक भातला भी देख रहे हैं आप। राजद कार्यालय के ठीक बाहर मौजूद हैं और राजद के प्रवक्ता, फायर ब्रांड प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। महागठबंधन में चल रहा है क्या उठा पटक? महागठबंधन महामजबूत है जी। महागठबंधन के सबसे बड़े आर्किटेक्ट आदरणीय लालू प्रसाद जी हैं जी। तो दो सीटों पर जो उपचुनाव है उसमें राष्ट्रीय जनता दल ने दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार के नामों की घोषणा कर दी है जी। इसके बाद हमारे कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता कुछ बयानबाजी कर रहे हैं, हम उनसे अपील करेंगे कि ये उचित नहीं है। महागठबंधन की मजबूती के लिए सबको ऊर्जा लगाना चाहिए जो लोग शामिल हैं दल इसमें जी। आदरणीय लालू प्रसाद जी सोनिया गांधी जी से, श्री राहुल गांधी जी से, श्री तेजस्वी यादव जी, सब लोग मिल करके बात करके ये निर्णय हुआ है कि कैसे हम दोनों सीट जीतेंगे। जिताऊ उम्मीदवार दिया है, सरजमी की जो हकीकत है वो सबको समझना चाहिए। अब वोट हमारा कैंडिडेट तुम्हारा ये भी उचित नहीं है। सबको हकीकत पता होनी चाहिए, सबको अपनी हैसियत पता होनी चाहिए। तो कुछ कांग्रेस के नेता हैं जो हमारे नेता तेजस्वी यादव जी पर हमला कर रहे हैं, ये भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये उपचुनाव है दो सीटों का, कांग्रेस पार्टी मंथन करे, चिंतन करे, सब चीज करने के बाद राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के उम्मीदवार के रूप में दोनों उम्मीदवारों का नाम का ऐलान किया है और हमें उम्मीद भरोसा है कि सब लोग महागठबंधन में शामिल सभी दल अपनी ऊर्जा लगाएंगे और दोनों सीट महागठबंधन की झोली में आएगी। आप ऊर्जा लगाने की, न्याय करने की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या ये गलत नहीं है कि राजद ने किसी से भी और लोगों से चर्चा नहीं की? ये अकेले आकर के नहीं, सभी लोगों से कांग्रेस के लोग तो कह रहे हैं। नहीं, आला कमान जो है कांग्रेस के उनसे चर्चा हमारे पार्टी का शीर्ष नेतृत्व आदरणीय लालू प्रसाद जी, श्री तेजस्वी यादव जी लोग मिल करके करते हैं और उन्होंने करके निर्णय लिया गया है। कांग्रेस कुशेश्वर स्थान पर पहले से दावा ठोक रही थी, क्या कांग्रेस में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है? नहीं, दावा दावा के लिए तो हम किसी को मना नहीं कर सकते जी। दावा तो करना ही चाहिए जी। तो लेकिन धरातल की वस्तु स्थिति से भी अवगत होना चाहिए जी। कांग्रेस दावेदारी सिर्फ कर देने से, कैंडिडेट उतार देने से यहीं पर राजनीति नहीं समाप्त होनी चाहिए। कांग्रेस को अगर ये लगता है, पहले वहाँ की जनता की भावनाओं को कांग्रेस को समझना चाहिए। इस लोगों की वहाँ उम्मीद है, आशा है कि कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवारों को मदद करना चाहिए। जन भावनाओं को देखते हुए स्थानीय स्तर पर जो मांग हुई उसको लेकर के ये निर्णय हुआ है, इसलिए सब लोग एक दो दिनों में सब सहमत हो जाएंगे। खबर ये आ रही है कि कांग्रेस जो है दिल्ली में मीटिंग कर रहा है, महागठबंधन में टूट होने वाली बात है। कोई टूट कहीं नहीं, कहीं कोई टूट नहीं होगी, सब ऑल इज वेल होगा। दो अगर प्रत्याशी उतार देंगे, उतार देंगे तो उतार देंगे, इसके लिए कौन सा परेशानी है? अगर कांग्रेस पार्टी चाहती है लड़ाई को कमजोर करना तो इसे कौन रोक सकता है? कांग्रेस के ऊपर, हम कांग्रेस पार्टी से कोई मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में जा करके तो सीट नहीं मांगते हैं। बिहार में हमारा वाजिब हक बनता है और सरजमी पर जो महागठबंधन के हिसाब से तो उनका भी हक बनता है। नहीं, उनका हक बनता है, उनका हक बनता है, वो राष्ट्रीय पार्टी है, उनके पास और राज्यों में सरकारें हैं और राज्यों में मौका है, देश में मौका है। हमारे पास तो, हम सिर्फ बिहार में लड़ते हैं, इसलिए बड़े भाई के रूप में हमारा हक बनता है, हमारा हक बनता है। राजद ने साफ कर दिया है, मृत्युंजय तिवारी अब हमारे साथ थे, कह दिया है कि कांग्रेस के लोग जो बयानबाजी कर रहे हैं तेजस्वी यादव के खिलाफ उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन एक और बात उन्होंने कही है कि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, वो जहाँ चाहे वहाँ जाकर के लड़ सकती है, लेकिन हम बड़े भाई के रूप में बिहार में सिर्फ हमारे पास मौका है और हम ही लड़ेंगे चुनाव। जुनैद भातला के साथ खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।